दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने आविष्कार के इस रोबोट की अनबॉक्सिंग करी थी और टेस्टिंग भी करी थी और गिवअवे भी रखा था। तो ये है आविष्कार के ए बोट का पार्ट टू। और भाई इस वीडियो में इस रोबोटिक्स किट के बाकी के प्रोजेक्ट भी हम लोग बनाकर ट्राई करने वाले हैं जो कि पिछले वीडियो में हमने नहीं कवर किए थे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने आरसी कार बना था, रोप कार बना था। आज के इस वीडियो में हम लोग ह्यूमनॉइड बोट, ट्रैफिक लाइट, आर्टिस्ट बोट और डांसर बोट बनाने वाले हैं। तो ह्यूमनॉइड बोट एक ऐसा रोबोट है जो कि एक इंसान के मोशन को हल्का फुल्का कॉपी करता है और बिल्कुल इंसान की तरह चलता है। तो भाई आज के वीडियो का पहला प्रोजेक्ट बनके तैयार हो गया, लेकिन अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा जिसमें मैंने इसकी अनबॉक्सिंग करी थी और दो प्रोजेक्ट्स भी बनाए थे तो भाई उसको भी देखना, लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। तो अभी हम लोग आज के इस पहले प्रोजेक्ट को चला के टेस्ट करते हैं। पीछे बाएं दाएं पीछे आओ भाई, थोड़ा बाएं मुड़ जाओ, ये आजा आजा हाँ जा 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 आ अरे 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 जामत अरे 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 यहाँ चला गया ये तो भाई, इसे खुले में लेके आ गया, आजा आजा ले 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 अरे अरे ये तो पीछे मुड़ के सीधा चला था, आजा अरे गिर गया बेचारा, अरे चोट तो नहीं लगी इसको। एक बार गिरते ही इसकी अकल ठिकाने लग गई, इसकी बैटरी बाहर आ गई। बैटरी से याद आया, अगर कभी बाई चांस आपका रोबोट और आपके मोबाइल का कनेक्शन ना हो रहा हो तो समझ लेना आपकी बैटरी हो गई है ख़त्म। बैटरी डाउन होने पर बार बार मोबाइल रिमोट से रोबोट का कनेक्शन ब्रेक होगा और जुड़ेगा और फिर आपको नई बैटरी लेनी पड़ेगी। और ध्यान रखना इसमें सिर्फ एल्कलाइन बैटरी ही सपोर्ट करती है, तो आपको 9 वोल्ट की एल्कलाइन बैटरी ही लेना पड़ेगा इस रोबोट के लिए। तो अब बनाते हैं इसका अगला प्रोजेक्ट जो कि है ट्रैफिक लाइट। दोस्तों यहाँ पे मैं जो भी कोडिंग कर रहा हूँ सारी की सारी डिटेल इनके मैनुअल में दी गई है कि कैसे करना है। अभी मैं यहाँ पे वीडियो में आगे दिखाए जाने वाले तीनों प्रोजेक्ट्स की कोडिंग एक साथ ही ले रहा हूँ और 3 अलग अलग फाइल बना के सेव कर लूँगा। फिर रोबोट के ब्रेन में मैं बारी बारी से फाइल को बर्न करके आपको बारी बारी से तीनों प्रोजेक्ट्स दिखा दूंगा। फाइनली ट्रैफिक लाइट प्रोजेक्ट भी कम्प्लीट हो गया भाई, काफ़ी आसान था। सिंपली मैनुअल उठाओ और इसमें जैसा लिखा वैसा फॉलो करते जाओ और मैंने इसके ब्रेन में पूरी की पूरी प्रोग्रामिंग कर दी है। और अगर आप पहली बार भी कर रहे हैं ना सिंपली आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप लोग इजीली कर सकते हैं। बुक को देख के काफ़ी इजीली इसमें समझाया भी गया है। अभी मैंने इसमें वही कोडिंग फॉलो करी जो कि इसमें दी गई है। तो इस कोडिंग के अनुसार यहाँ पर ट्रैफिक लाइट जो हमने इस ब्रेन को बनाया है बिल्कुल ऐसे काम करेगी, 3 सेकंड ग्रीन चलेगा, फिर 2.5 सेकंड येलो चलेगा और 5 सेकंड रेड लाइट चलेगी। चले इसे चला के देखते हैं, ये हो गया ऑन, देखते हैं कैसे काम करेगी हमारी ट्रैफिक लाइट। तो यहाँ पे 5 सेकंड रेड लाइट, इसके बाद ग्रीन जलेगी 3 सेकंड, बहुत सही बीप की आवाज के साथ, 2.5 सेकंड येलो लाइट। तो यहाँ पे हमारी ट्रैफिक लाइट बहुत सही तरीके से काम कर रही है और आप लोग इसे अपनी इच्छा अनुसार भी चेंज कर सकते हैं, टोन की ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं और कलर की ड्यूरेशन भी बढ़ा घटा सकते हैं। ट्रैफिक लाइट तो सक्सेसफुल रहा। अभी हम लोग बनाने वाले हैं डांसर रोबोट। डांसिंग रोबोट प्रोजेक्ट भी बन के तैयार, चलो देखते हैं इसका डांस कैसा है। तो कौन सा गाना बजाया जाए, नाच मेरी रानी, इसका डांस शुरू हो गया। ओहो हाय गर्मी। तो ये है इसका एक स्टेप, अरे ये दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप क्या है, अच्छा ओहो तो ऐसा है इस डांसिंग। अरे ले ओ, इसकी बैटरी ही बाहर आ गई। अरे बस 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 हो गया हो गया। तो हमारा लास्ट प्रोजेक्ट होने वाला है आर्टिस्ट बोट। देखते हैं ये कैसी आर्ट बनाता है, कैसे कैसे कलाकृति बनाता है। वैसे हाँ हम लोग अपने हिसाब से भी प्रोग्रामिंग करके कोडिंग करके नई नई आर्ट इससे बनवा सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं इस मैनुअल में जो भी कोडिंग दी गई इसी का यूज करके इसकी ही आर्ट को चेक करने वाला हूँ। तो यहाँ पे हमारा आर्टिस्ट रोबोट काफी हद तक बनके तैयार हो गया है, बस हमें इसमें एक स्केच लगा देना है ऐसे और ये जिपटाई की मदद से। तो इसमें मैंने पेन लगा दिया है और पता नहीं क्या बनाएगा, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है क्या बनाने वाला है। तो हमें एक बड़ा पेज चाहिए होगा, ओके थोड़ा गलती से पेन चल गया है मेरे से। अब देखते हैं क्या बनाएगा हमारा रोबोट, चलो जाओ ओके चालू।
अरे अरे अरे, एक फिर से अटेम्प्ट, कुछ तो सही से बना दो। ओके ओके चालू। अरे अरे, बाहर ही निकल आता है, पेपर में बनाओ। ओके बना रहा है। अरे अरे, इसके लिए पेपर छोटा पड़ रहा है भाई। अरे 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 अरे, ये पेपर छोड़ के बार बार बाहर ही भागा जा रहा, तो ऐसा करते हैं इसे बाहर ही कुछ आर्ट बनवा लेते हैं जमीन पे। बहुत सही। अरे 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 अरे, तो ये रही इसकी आर्ट, ये साज स्टार बनाया है। ओ भाई गजब 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 गजब, इसने एक बड़ा सा स्टार बनाया है। ओ भाई सच में बहुत मस्त है। चलो अगर आप ध्यान से देख पाओ आपको मालूम चलेगा ये ऐसे 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 इसने एक स्टार बनाया है, मस्त एकदम। तो कोडिंग में चेंज करके और थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के हम लोग इससे काफी अलग अलग चीजें बनवा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने आविष्कार ए बोर्ड को कंप्लीट तरीके से सभी प्रोजेक्ट बनाए। भाई अगर आपको ये प्रोडक्ट लेना है तो मैं इसके अमेजोन के लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप लोग वहां पे जाके ले सकते हैं। और पार्ट वन में हमने जो गिव अवे किया था उसका जो भी विनर होगा उसी वीडियो के कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मैं अपडेट कर दूंगा। तो भाई अगर आपको आविष्कार ए बोर्ड का वीडियो पसंद आया तो भाई वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बटन दबा देना। और हाँ, अगर आपको और भी रोबोट वाले प्रोजेक्ट देखने तो कमेंट में बताना जरूर, ठीक है? अगर आप कहेंगे तो मैं और भी बनाऊंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही।